अमृता जी एन आसिफ अमला जी डिफरेंस मिस्टर इकबाल सिंह चहल जी ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर जरा जोरदार तालियां फॉर द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड द पुलिस कमिश्नर जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं चाहूंगा अमृता जी हमारे अगेन द मोस्ट डैशिंग एमएलए ऑफ जू मिस्टर अमित साटम जी का स्वागत। थैंक यू अमित साटम जी स्पेशली फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। आपने बहुत एफर्ट डाला है इसको सक्सेसफुल बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। माय रिक्वेस्ट अमृता जी एंड आसिफ बामला जी फॉर श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी। अब मैं चाहूंगा कि आज यहां पर हम लोग एक इनिशिएटिव क्लिनथॉन के माध्यम से तो हम लोग सभी लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके लिए बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं। लेकिन ये जो सफाई का काम जो है जो रोज हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर करते हैं मुझे लगता है कि उनके लिए भी मुझे लगता है कि जोरदार तालियां यहाँ पर बजानी चाहिए क्योंकि आज जो हमारा सिटी क्लीन है वो इन सभी के वजह से है। आज यहाँ पर मुझे लगता है कि एक उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव अपन कॉल करने चाहिए और उनका भी एक वार्ड ऑफिसर्स तो है ही हाँ तो उसके साथ उनका एक जो है सफाई कर्मचारी जो है यस मेंटेनेंस के ही प्लीज यहाँ पर आ जाए। जी जी मैं वही बुलवा रहा हूँ हमारे SWN के AE हमारे मेंटेनेंस के AE सर प्लीज मंच पर आ जाए। सर आशीष यादव जी का है वो भी प्लीज मंच पर आए। आफ्टर दिस टू फेलिसिटेट मिस साइमी खेर आई रिक्वेस्ट Ms. Manasi Chiller also, please come forward and Mrs. Fadnavis. Felicitations to Manasi Chiller ji. Request Jaki Bhagnani ji also to please come on stage. वेलकम अगेन राजकुमार राव जी का स्वागत अमृता जी और आसिफ बामला जी करेंगे। अभिषेक जी का भी अभिषेक सिंह जी का भी स्वागत अमृता जी और आसिफ बामला जी करेंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा कि कृपा शंकर जी सिंह साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और काफी मजे हुए नेता कृपा शंकर सिंह जी का स्वागत आसिफ बामला जी और अमृता फडणवीस जी करेंगे। एंड यस आई वुडंट कॉल हिम जस्ट द काउंसलर जनरल ऑफ इजराइल बट ही इज एक्चुअली द इको चैंबर बामला फाउंडेशन मिस्टर कॉबी शोशानी टू प्लीज कम एंड रिसीव दिस सैपलिंग। सो टू प्लीज रिसीव दिस सैपलिंग। एंड जैसे कहा कि हमारे डीएमसी जोन 4 के और हमारे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर वो प्लीज आ गया है विद द टीम SWM के हमारे AE द एक्चुअली पीपल हु आर वर्किंग राउंड द क्लॉक उन सब का स्वागत आज। ये सारे मिलकर के एक साथ करते हैं और इस चीज को कामयाब करने के लिए राजेंद्र काने जी साथ ही साथ मैं चाहूंगा हमारे डीएमसी जोन 4 के और हमारे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के वर्षवा पृथ्वीराज चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बनती है। पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे। इकबाल जल सिंह साहब ने कहा था कि वहां पर अगर आप जाओगे तो वो कमिश्नर है और वही हमेशा अच्छा काम करता है बहुत सक्सेसफुल इवेंट के वर्ष में हमेशा करने के लिए मेरी माटी मेरे देश के लिए। आज कल मैंने देखा अमिताभ बच्चन से लेकर के सारे सेलिब्रिटीज के साथ में इन्होंने फोटो इन्होंने ये इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। हमारे बीच मनोहर हमारे DCP साहब कृष्णकांत उपाध्याय जी इनका भी स्वागत हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर और ये सारे पुलिस इवन सारे जितने हमारे पुलिस कमिश्नर सबका बहुत बहुत सलाम इस मंच से आपका अच्छा काम करने में चाहूंगा। गौरव पारिक जी प्लीज मंच पर आए आगे उनका भी स्वागत आसिफ बामला जी और अमृता फडणवीस जी करेंगे।
चलिए गर्ल, कैन आई हैव द फ्लैग्स प्लीज। So fasten your seal belt, all of us. We got a flag off. Jitne bhi hamare volunteers hai. After the flag off, we'll walk towards the beach and start this cleanathon. And let's start walking towards the beach. काफी लोग जा चुके हैं और सब लोग अब बीच की तरफ जाएंगे. And I request the dignitary on that guest also to please take your gloves और वो आकर बीच की सफाई शुरू करें. All are heading towards the beach. सारे volunteers हमारे scouts के मैं देख रहा हूँ, NSS के देख रहा हूँ, हमारे कामल कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स आज बीच पे निकल चुके हैं. So let's start this. Now all the volunteers are the volunteers of the foundation requested to please pass these gloves to. Yeah, the gloves are here. And let's start this cleanathon. समय निकाल कर इतने अच्छे कैंपेन में जुड़ते हैं, आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, समय निकाल कर मतलब हम सभी ने समय निकाल कर करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ आवर सिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मैं एक्चुअली पिछले 6-7 सालों से अफरोज के साथ काम कर रही थी बरसोवा बीच पर. इस टाइम आसिफ जी ने बुला लिया भामला फाउंडेशन, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड जस्ट हैप्पी टू सी द टर्न आउट हियर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक. क्या लगता है हम किस तरीके के चेंजेस या परिवर्तन आप देखना चाहती है अगले साल की गणपति? बस यही, बहुत स्लो और स्टेडी चेंजेस हुए हैं. जैसे हम अभी पीओपी गणपति थोड़े कम कर रहे हैं और मट्टी के गणपति ज़्यादा बड़े हैं, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड चेंज. सिंगल प्लास्टिक का यूज़ कम होना चाहिए, दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर आर सिटी आई फील. अगर वो हुआ, लॉट्स ऑफ चेंजेस वील सी, बिकॉज हम बीच क्लीन अप करते हैं पर वो हमेशा वापस आते ही रहता है, तो इट्स अबाउट नॉट थ्रोइंग स्टफ इन द बीच. किसी को? सॉरी मैम, आप मुंबई कर और जो ऑडियंस यूथ जो जुड़ना चाहती है इस कैंपेन से, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है कि आप आ जाओ, फैंस को, मुंबईकर्स को, सभी को, कि हर संडे को क्लीनअप्स होते हैं, तो आप जरूर आइए. गणपति के बाद तो होते ही है, पर दिस हैपेंस ऑल ईयर राउंड, प्लीज जरूर आइए. मेहनत इसके लिए और काफ़ी ज़्यादा है सर. घूमर के लिए हमने इतनी मेहनत की, पर इसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. इतने सालों की जो लिटर है, तो उसकी एक एक बूंद, जैसे हम कहते हैं, मेक्स द ओशन. आई थिंक एवरी लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन मेक्स अ डिफरेंस. थैंक यू. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और बहुत जरूरी है कि हम सब इस स्वच्छ भारत के अभियान में हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता में मैं पहले कहता था, स्वच्छता में भी भगवान है. तो बहुत जरूरी है कि हम अपने देश को, अपने शहर को साफ रखें. इज जॉइनिंग अस ऑल ऑफ अस. साथ में कर रहे हैं वहाँ पे. हाँ हाँ, चलिए लौकर करा चला. आज जो है दिव्याज फाउंडेशन और बामला फाउंडेशन के तरफ से ये जो क्लीनथॉन हो रहा है, इसमें अमृता जी का ये दूसरा साल है और आज बड़े पैमाने पे आप लोग देख रहे हो, सुबह 5 बजे से यहाँ स्वच्छता हो रही है. स्वच्छता ही सेवा आदरणीय पंत प्रधान जी का जो धोरण है, इस बार नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर उसे उन्होंने अनावरण करने का ये किया था, लेकिन ये हम पहले ही कर रहे हैं. और इसके लिए आप देख रहे होंगे दोनों संस्थाओं के इको चैम्प्स मेंबर्स सुबह 5 बजे से यहाँ आ रहे. मुझे लग रहा है ऑलरेडी इतना साफ हो चुका है कि शायद हमारे लिए कुछ साफ करने के लिए भी नहीं बचा होगा. राजकुमार राव जी, जैकी मुझे आते साथ ही बता रहे थे कि ये कैसा हो रहा है. हम शुक्रगुजार हैं कि कमिश्नर साहब इकबाल चहल साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, इन्होंने हमें सहयोग किया और सर्वोपरि अमृता भाभी जी. मैं चाहूँगा आप फार छान वाटते हैं. आज हमें यहाँ खूब सुंदर ऐसा उपक्रम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमारा सभी ने साथ दिया है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, राजकुमार जैसे, जैकी जैसे, ईशा जी जैसे, और चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, सभी ने साथ दिया है. और सबसे ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व आप देखेंगे तो बहुत भारी मात्रा से लोग आए हैं. और मुझे लगता है अपना दायित्व है कि हमारी बीचेस, हमारा पूरा एनवायरनमेंट क्लीन रखना, ये हमारे ऊपर उसका ओनस है. तो लेट्स डू इट टुगेदर. लेट्स डू इट टुगेदर. आई थिंक एज मैम सेड, लेट्स डू इट टुगेदर. आई थिंक इसमें ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसमें हिस्सा लें.
ये किसी दो जने तीन जने से नहीं होगा, हर सबको हम सबको आगे आना पड़ेगा टू कीप आवर सिटी एंड कंट्री क्लीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। मैं बस ये कहूँगा कि जैसे हमारा जो लाइन है स्वच्छता ही सेवा है, सो सबसे बड़ी सेवा स्वच्छता है। स्वच्छता है तो हम है तो दुनिया है। So that's why I think we should keep it clean. Thank you. Commissioner sir, Kamal ji. So we must all get together and carry on this campaign, not for today, but every day. बहुत खुशी है कि सब लोग आज आए हैं क्लीनिंग करने के लिए। इनफैक्ट हमने इतनी खुशी से इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ के सफाई करने का। बीइंग एन एक्टर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स, तो ये हम मुझे खुशी है कि इतने इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आए हैं ये मैसेज फैलाने के लिए कि हम ही आम जनता है तो हमें ही सफाई करनी चाहिए, हमें अपना सिटी साफ रखना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा इस कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे? स्वच्छता ही सेवा, आई थिंक आप इसको लिटरली इसकी पर्सोनिफिकेशन आज देख रहे हैं। जहाँ पे जो एक बीच जिसको कॉमन लोग इंजॉय करते हैं वो यहाँ पे आके उसको क्लीन भी कर रहे हैं, उसको यूजेबल भी बना रहे हैं। ये बेटा भिजो मनुष्य आगे आ गया मनुष्य भाई ए भाई हाथ पीछे ले, हाथ पीछे ले ना भाई, तेरा हाथ कहाँ आ रहा है? अमृता मैडम मनुष्य आखिर सबको साथ में उठाने के लिए बोला था, एक पिक्चर हो जाएगा मोबाइल जरा थोड़ा बिछा हुआ है। मोबाइल बिछा है भाई। बेटा किसको फोटो चलो डन 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 चलो 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 दिनों में ख्वाब हो तेरे को पता नहीं है, मेरा नाम सुनते लोग दिन में ख्वाब बोल रहे थे। ए तू मेरे को क्या समझाए? फोन नीचे रखना माइकल। अरे फोन तेरा फोन पूरा फोन में आ रहा है। Thank you.
नहीं। आप लोग सब सुबह 5 बजे से काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल दी फाउंडेशन एंड बामला फाउंडेशन। थैंक यू ऑल फॉर सो डेडिकेटेडली कमिंग इन द मॉर्निंग अर्ली। हमारे आने से पहले आप लोग आए, यहाँ पूरा सफाई किया, इतना कि अभी हमें कचरा ढूंढना पड़ा, खोजना पड़ा। तो एक ताली सब आप लोग के लिए बनती है। ये तो मैं जा रहा हूँ, आ जा। मैंने काफी काम नहीं किया है। सबसे पहले मैंने बहुत कम काम किया है, जिस तरीके से काम हमारे बीएमसी के वर्कर्स करते हैं और आज कॉलेज स्टूडेंट्स और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट ने आके यहाँ काम किया है, उसके मुकाबले में हमने कुछ भी नहीं किया है। हम इतना ही कर सकते हैं एज एन एक्टर, एज ए सेलिब्रिटी। आप लोगों पे मैं, आप लोगों को आके मैं प्रोत्साहित कर सकती हूँ, प्रेरित कर सकती हूँ कि ये रोज़ का काम होना चाहिए, ताकि इतना काम एक साथ नहीं हो। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मैं देख रही हूँ कि क्लिनलीनेस को लेके, हेल्थ को लेके, पोल्यूशन, पर्यावरण को लेके, प्रदूषण को लेके बहुत काम हो रहा है, एंड इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो देश है, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो शहर है, मैं चाहती हूँ महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है, नंबर वन सिटी, नंबर वन स्टेट और नंबर वन कंट्री बने। मोदी जी की एक कोशिश तो है ही, उनके साथ साथ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट, मुझे लगता है हम सब लोगों को ये मुहिम जो है सीरियसली लेनी चाहिए। हमें क्लिनलीनेस पे थोड़ा जोर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान बसते हैं। हम हमारा घर साफ रखते हैं, हम कहते हैं कि झाड़ू मारो, शाम को झाड़ू मारना चाहिए, लक्ष्मी जी पधारती हैं, सुबह झाड़ू मारना, राइट? हम हमारे घर को साफ रखते हैं, तो इसी तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ कि आप झाड़ू मारो आके, मैं कहती हूँ आप रिस्पॉन्सिबल बन के चीज़ें बाहर मत फेंको, जितना हो सके गंदगी मत करो। तो हम सभी जो नागरिक है, जो सिटीजन है, अगर इतना समझ ले कि हमको गंदगी नहीं बढ़ानी है, तो आई थिंक वील बी सक्सेसफुल। ईच वन ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड एक्टिविस्ट हु पार्टिसिपेटेड इन दिस मुहिम, इन दिस इनिशिएटिव, विल बी सक्सेसफुल। तो प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं, आज अमृता फडणवीस भी आए हैं, राजकुमार राव भी आए हैं, और भी लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक प्लास्टिक के साथ साथ मैंने अभी इकबाल चहल जी जो हमारे कमिश्नर हैं म्यूनसिपल, उन्होंने कहा है कि POP का भी हम लोग अभी पांडे जी रद्द करने वाले, वी गोना स्टॉप यूजिंग POP। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि POP की वजह से हमारी मरीन लाइफ, खास करके विसर्जन के टाइम बहुत अफेक्ट होती है। मरीन लाइफ अगर अफेक्ट होती है तो हम भी अफेक्ट होंगे, इकोसिस्टम है, चेन है, तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़। आज फिर मैंने सुना कि जो सुएज जो लाइंस है हमारे देश को, ये बहुत पहले करना चाहिए था, तो अभी 7 ऐसे लाइंस आ रहे हैं जो सुएज को क्या बोलते हैं, दे विल कन्वर्ट इट इनटू पोर्टेबल वाटर, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो गुड, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो हमारा जो देश है वो तरक्की की तरफ दौड़ रहा है। हमारा देश ने बहुत अच्छा काम भी किया है, महिला आरक्षण बिल भी पास कर दिया है। Yes. इसको लेकर क्या कहना है? आज हम लोग स्वच्छता की बात करेंगे जी। फैंस को मैसेज देना चाहेंगे कुछ? फैंस को मैसेज दे चुकी हूँ मैं कि प्लीज़ आप, मैं सारे मेरे फैंस को यही कहना चाहूँगी, आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप आज जो है ये मुहिम से हम सब लोग पांडे जी और ASBB फाउंडेशन, रेजुवा सेंटर और जागरूक फाउंडेशन, हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, एंड प्लीज़ हेल्प द एनवायरनमेंट, सेव द एनवायरनमेंट, स्वच्छता ही सेवा है। थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोग टोपी क्यों पहन के नहीं आए? क्या करें मैम, सुबह सुबह आना पड़ा, सुबह सुबह टोपी नहीं पहन सकते, भाग भाग के आया मैं।
टोपी उड़ गई होगी। ये गुजरात से मैं आया, गुजरात सूरत से आज गुजरात से है। ये फोटो दो यस बिनू जी, आइए आपके साथ एक फोटो। मैडम कैसा लगा आपको आज यहाँ पे? अच्छा लगा, बहुत खराब, इतना अच्छा दिख रहा है, पूरा क्लीन हो गया, आपने साफ किया, पूरा क्लीन हो चुका है। इमीडिएटली कल रात को विसर्जन हुई है, आज देखो सुबह 5 बजे से ये काम चल रहा है। हम लोग लेट आए, हम लोगों ने ज्यादा स्वच्छ मतलब थोड़ा बहुत उठाया है, लेकिन जिन्होंने भी काम किया है मैं उनकी मतलब रियली आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मैं चाहूंगी आप सब लोग मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है प्लीज। मोदी जी के बारे में बताइए क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया। मोदी जी के बारे में यही कहना चाहूंगी कि आई एम एब्सोल्युटली क्या कहूं, इन ऑल ऑफ मोदी जी इज गवर्नेंस। आई थिंक उन्होंने पूरे दुनिया के मैप पे इंडिया को ऐसे प्लेस किया है कि अब हमारा देश सिर्फ रिकग्नाइज नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ हमें जो वो आदर जो रिस्पेक्ट चाहिए थी इवन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, मोदी जी ने कहा है कि हम 1 से 10 पे थे, हम 5 पे आए हैं, अगले 5 साल में पहले 3 में आ जाएंगे। तो उनका जो कॉन्फिडेंस, तो मैं दाद देती हूँ, सल्यूट करती हूँ। और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मुहिम लिया है, स्वच्छता में सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग स्वच्छ रहे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कुछ छोटे से कदम उठाए। बस जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।